आप सभी के बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज प्राप्त हुए हैं व्हाट्सएप पर एंड कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आए हैं कि सर आर ओ ए आर ओ की टाइपिंग की कंप्लीट डिटेल दे दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। और आज के इस वीडियो में आर ओ ए आर ओ का जो टाइपिंग होना है आपका, एक सिंगल पॉइंट भी आपका रह नहीं जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपका एक पॉइंट भी नहीं रह जाएगा। और बहुत जरूरी वीडियो है, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है टाइपिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए सिलेबस, रिटर्न एग्जाम जो आपका है, रिटर्न के लिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, एंड 3 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है ना। तो 200 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम है प्लस 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट है। 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है 20 मिनट में, ठीक है, 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है 20 मिनट में। टोटल 250 नंबर का पेपर हो गया आपका, टोटल 250 नंबर का पेपर हो गया। तो पूरी बात को समझिएगा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था, पहले रिटर्न एग्जाम होता था, फिर इसका रिजल्ट आता था, ठीक है, फिर आपका टाइपिंग होता था, फिर आपका टाइपिंग होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सेम डे में ये दोनों प्रोसेस होगा। सेम डे में मतलब एक ही दिन में पहले पेपर होगा, फिर 15 मिनट बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो चलिए पूरी जानकारी देखते हैं, हाईकोर्ट आर ओ आर ओ, ठीक है, टाइपिंग कंप्लीट डिटेल्स। देखिए सबसे पहली चीज आपकी क्वेरी है कि सर क्या मुझे पूरे 500 वर्ड टाइप करने होंगे, पूरे 500 वर्ड टाइप करने होंगे, या 400 वर्ड भी टाइप करूं या 450 टाइप करूं तो मैं पास हूं। तो देखिए आपका 500 वर्ड का पैसेज होगा, 500 वर्ड का पैसेज होगा, एंड रिप्रोड्यूस करना होगा आपको सेम फॉर्मेट में। सेम फॉर्मेट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है आपको बिल्कुल ऐसे ही उतार देना है, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो जैसा आपको टाइपिंग टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन होना है, ये तो चीज क्लियर है, ऑनलाइन होना है, ठीक है। यहां ऊपर बॉक्स में आपके पास मटेरियल होगा, मैटर होगा, एंड नीचे आपको टाइप करना होगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, जब आपको टाइप करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मान लेते हैं लिखा हुआ है यहां से द, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे ये पैसेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहां से शुरू होता है द, फिर यहां से। तो आपका कहना ये है, आपका पूछना ये है कि सर ये जो स्पेस दिया गया है क्या मुझे भी देना पड़ेगा। सेम फॉर्मेट का मतलब क्या ये हो गया कि ये स्पेस जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या 5 बार मुझे भी स्पेस बटन को दबाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आपको लगातार कंटिन्यू केवल आपको टाइप करना है, केवल आपको टाइप करना है। ये सब, ये जो ये टैब वैब है, ये सब आपको यूज नहीं करना है, जैसा कि अभी तक नॉर्मल आपका होता आया है, ठीक है ना। क्योंकि आपको कैसे पता कि यहां पे 5 स्पेस दिया गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि 5 स्पेस दिया गया है, कि 4 दिया गया है, कि टैब दबाया गया है, ये चीज नहीं है। आपको कंटिन्यू केवल टाइप करना है, ठीक है। अच्छा, वर्ड पर मिनट लिखा हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। अब मेरी बात को समझिएगा, 20 मिनट की टाइपिंग है, 20 मिनट की टाइपिंग है, 25 वर्ड पर मिनट आपका आना चाहिए, ठीक है। तो 25 दुना 50 500, टोटल 500 वर्ड आप तभी टाइप कर पाओगे मेरे दोस्त, कि 25 मिनट में, 20 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अगर आप टाइप करेंगे तभी तो 500 वर्ड आप टाइप कर पाओगे। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अदर एग्जाम में जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट ले लीजिए, ठीक है, यूपीपीसीएल ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है, यूपीपीसीएल में तो हिंदी में होता है, जूनियर किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार का हो, कहीं का भी हो, तो इंग्लिश का जो टाइपिंग वर्ड पर मिनट मांगते हैं कम से कम 30, नहीं तो 35 वर्ड पर मिनट मांगते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, 30 भी नहीं मांगा गया, 35 भी नहीं मांगा गया, 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि 25 वर्ड पर मिनट क्यों मांगा गया है, क्यों कम किया गया है, मैं समझाऊंगा इन सारी चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हाँ दोस्तों, आपको पूरा 500 वर्ड का पैसेज टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने 499 वर्ड भी टाइप किया ना तो आप वहीं पे फेल हो जाएंगे, आप क्या हो जाओगे, आप लटक जाओगे, ठीक है ना, तो आप यहीं पे लटक जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आपका टाइपिंग है, लेकिन जो टाइपिंग क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर वन चेक होगा बिल्कुल, क्योंकि यहां पेपर वन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड ना ही कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन टाइपिंग में आपका निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग मतलब एरर करने पे, गलती करने पे आपके मार्क्स कटेंगे। एंड यहां पे 25 नंबर लाना भी कंपलसरी है, 25 नंबर से अगर आपका कम हुआ, 25 नंबर से अगर आपका कम हुआ तो भी आप लटक जाओगे, ठीक है ना, तो आपको 25 नंबर भी लाना है, सारी चीजें समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपका टाइपिंग क्लियर होना चाहिए,
इसमें तो भले आप 200 में से 100 नंबर ले आओ वो तो बात की बात है, लेकिन 50 में से 25 नंबर लाना तो कंपलसरी है। एंड दोस्तों मैं बोलूंगा कि 50 में 50 लाइए तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये नंबर, ये आपको समझ में आ गया, पहले टाइपिंग क्वालिफाई टाइपिंग चेक होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम चेक होगा, ठीक है। एंड स्पीड में कुछ भी कमी नहीं कर सकते हैं, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग भी करना पड़ेगा, आगे भी सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 25 मार्क्स कंपलसरी आउट ऑफ 50, तो 25 नंबर जरूरी है 50 नंबर में से, ठीक है ना, 50 नंबर में से 25 नंबर जरूरी है। एरर नेगेटिव मार्किंग, अब देखिए एरर कैसे आपका काउंट होगा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, वो भी समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं आपने पूरे 500 वर्ड टाइप कर दिए, पूरे 500 वर्ड आपने टाइप कर दिए, 20 मिनट में टाइप कर दिया, ठीक है ना। अभी मैं ये बताने वाला हूं कि 25 वर्ड पर मिनट क्यों मांगा गया इंग्लिश में, जबकि इंग्लिश में कम से कम 30 या फिर 35 वर्ड पर मिनट मांगना चाहिए इनको, लेकिन 25 क्यों मांगा गया इनका, इसके पीछे भी कुछ वजह है। तो देखिए मान लेते हैं आपने एक गलती की तो आपके 0.1 मार्क्स कट जाएंगे, 0.1 मार्क्स कट जाएंगे। आपने दो गलती की आपके 0.2 गलती की तो 0.2 मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह आपने 10 गलती की तो आपके एक नंबर कट जाएंगे, एक मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो 10 गलती पे एक मार्क्स, 20 गलती पे दो मार्क्स, 30 गलती पे आपका तीन मार्क्स, 40 गलती पे चार मार्क्स, इसी तरह 100 गलती पे 10 मार्क्स, ठीक है, इसी तरह 200 गलती पे 10 मार्क्स एंड 20 नंबर, एंड 250 गलती पे आपका 25 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब मेरी बात को समझ रहे हैं, 250 गलती आपसे होने वाली नहीं है, 250 गलती कर देंगे तो भाई साहब आप टाइप क्या कर रहे हो, सीख के क्या गए हो, ठीक है। तो 250 गलती आपसे होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप 500 वर्ड टाइप करते हो और 250 गलती भी करते हो तो 25 नंबर भी आ जाता है, तो आप पास हो गए, आप क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन अब मेरिट की बात आती है, रिटर्न में मान लेते हैं आपके 130 है, यहां पे 25 नंबर जुड़ा तो 155 नंबर ही तो बना। तो भाई साहब मेरिट में आने के लिए ये 25 नंबर पे ध्यान मत दीजिए कि आपको 25 नंबर लाना है पास होने के लिए, आप 50 लेके आओ तभी तो आपका 130 और 50 180, ठीक है ना, आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये गलती का सीन है, ये गलती का सीन है कि एक गलती पे 0.1, 10 गलती पे एक, 20 गलती पे दो, 30 गलती पे तीन नंबर, 100 गलती पे 10 नंबर, 200 गलती पे 20 नंबर, 250 गलती करने पे 25 नंबर कटेगा, ठीक है। लेवल का बात करते हैं, लेवल ऑफ टाइपिंग मैटर, ठीक है ना। तो टाइपिंग मैटर का लेवल क्या होगा मेरे भाई साहब वो भी समझ लेते हैं, है ना, उसके बिना काम कहां चलेगा, ठीक है। तो ये गलतियां समझ में आ गई, चलिए अब बात करते हैं लेवल की, कि क्यों 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, क्यों 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, इतना कम क्यों मांगा गया है। देखिए मेरी बात समझिएगा, आपके मन में ये होगा कि हो सकता है हाई कोर्ट का जो जजमेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर जो होता है वो आपको टाइप करने को मिले, ठीक है। तो हाँ मिल सकता है, आपको जजमेंट ऑर्डर भी मिल सकता है टाइप करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि जजमेंट ऑर्डर में क्या होता है, आपके जब जजमेंट ऑर्डर होता है तो अलग अलग डेट पे सुनवाई होती है, अलग अलग डेट पे ऑर्डर रिलीज होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको जैसे डेट 9/9/2020 को कोई सुनवाई हुई थी, फिर उसका अगली सुनवाई कब हुई, 30/10/2020 को अगली सुनवाई हुई, ऐसे करके कम से कम 10-15 तो आपको डेट मिल जाएंगे उसमें टाइप करने के लिए, मतलब नंबर टाइप करना होगा, ठीक है। फिर जजमेंट ऑर्डर जो होता है, हम लोग क्या है, नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, कभी जजमेंट ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं। एंड जजमेंट ऑर्डर जो होते हैं वो आपकी नॉर्मल इंग्लिश से अलग होता है, उनके उनके जो वर्ड होते हैं वो भी अलग होते हैं, जनरली हम लोग वो वर्ड भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड भी अलग हो गए, कठिन हो गए, तो इस वजह से आपका जो मैटर होगा वो क्या हो गया, वो कठिन हो गया, ठीक है। वर्ड भी कठिन होंगे, लेंथी होंगे, ठीक है। तो ये वर्ड जो हो गया ये आपका कठिन हो गया, तो कठिन होने की वजह से आपको केवल 25 वर्ड पर मिनट ही लाना है और वो पूरा पैसेज टाइप करना है। आपके दिमाग में होगा सर वर्ड काउंट होगा या फिर फाइव कैरेक्टर को एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। इसका जवाब भी अभी आपको मिल जाएगा कि वर्ड काउंट करेंगे या पांच कैरेक्टर को एक वर्ड मानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एरर समझ में आ गया, लेवल समझ में आ गया, लेवल कठिन होने वाला है इसीलिए 25 वर्ड पर मिनट दिया गया है, ठीक है। अब वो चाहे जजमेंट ऑर्डर हो या आपको अगर प्रैक्टिस करना है कठिन से कठिन पैसेज, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे प्रैक्टिस करना है।
ठीक है, कठिन से कठिन पैसेज अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। देखिए indiatyping.com इस पे आप आएंगे, ठीक है, फिर टाइपिंग वाले सेक्शन में इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और इंग्लिश में आप एडवांस टाइपिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप एडवांस टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट प्लस रहते हैं, 25 वर्ड पर मिनट प्लस रहते हैं, एडवांस टाइपिंग के सेक्शन में जाकर टाइपिंग करिएगा, और अगर आप 25 वर्ड पर मिनट से ज्यादा रहते हैं तो फिर आप ये समझिएगा कि हाई कोर्ट की भी टाइपिंग को आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको एटलीस्ट 25 मांगा गया है तो मेरे भाई साहब 35 वर्ड पर मिनट घर से बना के जाइएगा, 35 वर्ड पर मिनट घर से बना के जाइएगा तब 25 निकलेगा। ठीक है, 10 का मार्जिन हमेशा रखिएगा। नहीं मेरी बात पे यकीन है तो मैंने टाइपिंग के लिए बहुत ज्यादा गाइडेंस दिया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट बिहार SSC, ठीक है, तो बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ। 25 मांगा गया है, 35 आपको घर से बनाना है। अगर सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप 30 वर्ड पर मिनट भी घर से बना के गए ना तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे नर्वस हो जाते हैं, गलतियां होती हैं, ठीक है, गलतियां होती हैं, बैक स्पेस आप यूज करोगे, ठीक है, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा घट जाएगी। ठीक है, छठे पॉइंट का बात करते हैं, वर्ड हाईलाइटेड होगा, बैक स्पेस होगा, एंटर कंट्रोल की ये सब यूज कर सकते हैं नहीं, तो वर्ड हाईलाइटेड होगा, तो जी हाँ दोस्तों वर्ड हाईलाइटेड होगा, बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 20 मिनट की टाइपिंग है, आपने 17 मिनट में अगर आपने खत्म कर दिया, 17 मिनट में आपने खत्म कर दिया, तो आपने जो गलतियां हुई हैं, जो रेड बन गया है, ठीक है, जो जो सही टाइप करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, जो गलत टाइप करेंगे वो रेड हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो गलत हो जाएगा उसको आप जाके बाद में सही भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर की बात करें तो एंटर की का यूज नहीं करना है, करना ही नहीं है कहीं। टैब की बात करें तो टैब भी यूज नहीं करना है। कंट्रोल की का कहां जरूरत पड़ता है भाई साहब, वो तो हिंदी में पड़ता है, शिफ्ट की का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल में लिखने के लिए जैसे कि राजन RAJAN, तो ये R टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये बातें हो गई, ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई आपको, 25 वर्ड पर मिनट ये स्पीड चाहिए। ये स्पीड तभी आएगा जब आप पूरे 500 वर्ड टाइप करेंगे, एक वर्ड भी अगर आपने छोड़ दिया, गलती से छूट गया, 499 वर्ड भी टाइप हुआ तो आप फेल हो जाओगे, फिर भूल जाओगे आपका रिटर्न बहुत अच्छा हुआ था, 200 में से 170 नंबर ला के रखे हो तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये दूसरी चीज हो गई टाइपिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि आपका वर्ड होगा या 5 कैरेक्टर, ठीक है, वर्ड होगा या 5 कैरेक्टर। तो मेरे भाई साहब आपको एक चीज और बता दूं, फिर से बता दूं, जो 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, एंड इन चीजों को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इधर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, ठीक है, तो बस इसका मतलब ही समझ लीजिए कि आपका पैसेज हार्ड होने वाला है। ठीक है, जितना कठिन से कठिन हो सकता है, ठीक है ना, 25 वर्ड का मतलब यही है कि हार्ड होने वाला है। एंड सेकंड थिंग कि इन्होंने बोला है 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 25 का स्पीड चाहिए, 20 मिनट में टाइप करने हैं तभी 500 वर्ड आपके होंगे। तो भाई साहब यहां पे कैरेक्टर नहीं काउंट होगा, कैरेक्टर काउंट नहीं होगा, ठीक है, यहां पे क्या काउंट होगा, यहां पे एक वर्ड जो आप टाइप करोगे वो एक वर्ड ही होगा। ठीक है, जैसे आपने टाइप किया जजमेंट, ठीक है, आपने क्या टाइप किया जजमेंट, तो जजमेंट अगर आपने टाइप किया है तो जजमेंट एक वर्ड ही काउंट होगा। इसी वजह से 25 वर्ड बोला गया है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वर्ड होंगे वो एक ही वर्ड काउंट होगा, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और अगला स्पेस दिया तो 10 हो गया, तो आपके 2 वर्ड हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक वर्ड ही काउंट होगा। कैरेक्टर 5 की स्ट्रोक वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा, 5 की स्ट्रोक वाला हिसाब किताब नहीं रहेगा। ठीक है, और कुछ बचता है क्या, इंडिया टाइपिंग पे जाके एडवांस टाइपिंग से करिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा शौक हो तो जजमेंट ऑर्डर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो उसको देख भी सकते हैं, वहां से भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ बचा, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बचा है। ठीक है ना, तो भाई साहब अगर देखिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो केवल और केवल अगर आप रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं, मान लेते हैं आप केवल रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न पे तो 200 नंबर का रिटर्न है, 200 में से बहुत ज्यादा तो 130 और 140 नंबर भी अगर आप ला देते हो तो सफिशियंट है, बहुत है। ठीक है ना, इतना बहुत है, लेकिन टाइपिंग में मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, लेकिन टाइपिंग में अगर आप 50 नंबर पूरे लाते हो
तो आपके 180 या 190 मार्क्स बन जाते हैं 250 में से। एंड यहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब सबसे मेन चीज है टाइपिंग क्वालिफाई करना, तो पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग पे भी फोकस करिए, ठीक है। बस दोस्तों इतना ही कहना था, अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, वादा है सबका रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मिलता है सबको। आप मेरे किसी भी वीडियो पे आके देख लीजिए, कहीं गलती से छूट गया हो तो छूट गया हो, नहीं तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और जो बच्चे नहीं देख जिनका नहीं हो पाता है वो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रिप्लाई ना मिले तो बताइएगा, तब अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। रिप्लाई नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, आपका समय शुभ हो।